हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराक स्किन केयर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ 7 डे ग्लास स्किन ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज शेयर करी हूँ, जिसकी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना, जिसमें मैंने चेहरे को डीपली क्लीन करना बताया है, चेहरे की क्लींसिंग की है, जिससे आपके चेहरे की जितनी भी धूल मिट्टी पोल्यूशन है उसको क्लियर कर देना है और पहले दिन में स्किन को पैम्पर करना है फेस क्लींजिंग से। तो अब सेकेंड डे में हम स्किन को हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन है पानी जो हमारी स्किन को अंदर से निखारता है। तो आपको इस सीरीज के चलते आपको दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना ही है और साथ में आपको प्लेट भर के सैलेड खाना है, जो स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। सैलेड में भी, जैसे हम खीरा खाते हैं, खीरे में भी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है जो स्किन को डीपली निखारता है, क्लीन करता है, हेल्दी बनाता है। और साथ में मैं आपको बताऊंगी हाइड्रेटिंग टोनर जो आपकी स्किन को, इन सब चीज़ों के अलावा स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन को निखारेगा, पोर्स को श्रिंक करेगा, चेहरे पे ग्लो लेकर आएगा, चेहरे के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसको काफ़ी हद तक लाइटन करेगा। इसको आप डायरेक्ट चाहे कॉटन की हेल्प से अप्लाई कीजिए, चाहे स्प्रे बॉटल से अप्लाई कीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी सेकेंड डे के पार्ट का, जो स्किन को हाइड्रेट करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए गाइस, बनाते हैं इस हाइड्रेटिंग ग्लोइंग टोनर को, जो आपकी स्किन पे शाइन भी लाएगा, चमक भी लाएगा और चेहरे के डार्क स्पॉट्स को काफ़ी हद तक लाइटन करेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कुक्यूम्बर यानी कि खीरा, इसको अच्छे से पील ऑफ कर लीजिए और इसको ग्रेट कर लेना है आपको। हमें इसका जूस इकट्ठा करना है। देखिए, कटोरी भर के जूस निकाल लिया है, ये आपका टोनर बनके रेडी हो जाएगा। इसको आप किसी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, चाहे तो आप किसी भी नॉर्मल बॉटल में डाल के कॉटन की हेल्प से चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। खीरे के जूस निकालने के बाद अब हम लेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, उसका भी हमको लेना है जूस। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि टमाटर में विटामिन सी होता है, स्किन को लाइटन करने की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है। खीरे में स्किन को हाइड्रेट करने की क्षमता होती है, जो चेहरे के पोर्स को श्रिंक करता है, चेहरे को निखारता है। और साथ में गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपके साथ 12 बजे वीडियो शेयर करूँगी। और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अगर आपकी स्किन को लेमन सूट करता है तो आप 1 चम्मच लेमन इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर स्किन को लेमन सूट नहीं करता तो स्किप कर दीजिए कुक्यूम्बर और टोमेटो, दोनों के जूस को एक बॉटल में भर के आपको फ्रिज में रखना है। तो आपको इस सीरीज़ के, पूरी सीरीज़ में आपको इस टोनर को अपने फेस पे दिन में जब भी आपको टाइम मिले 5-6 बार जब भी फ्रिज खोलिए, अपने फेस पे स्प्रे कीजिए या कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे इसको अप्लाई कीजिए। अब बाकी बचे हुए बैटर को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम रखेंगे अपनी आइस के ऊपर, क्योंकि खीरा जो होता है वो ठंडा होता है, जो हमारी आइज़ को ठंडक देगा, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो अपनी आइज़ के ऊपर इसको रखिए, 10-15 मिनट तक रखने के बाद लेट जाइए आराम से और अपनी आइज़ को रिलैक्स कीजिए, ये डार्क सर्कल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो गाइज, ये है सेकेंड डे की ग्लास स्किन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़। इस वीडियो के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है आपने, तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।